नैना देवी पुलिस की एसआईयू टीम ने अवैध नशा तस्करों पर शुक्रवार रात को बड़ी कार्यवाही की है। एसआईयू टीम ने यह कार्यवाही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की है। नैना देवी की एसआईयू टीम प्रभारी महेंद्र सिंह, हरदेव सिंह, गुरचरण सिंह ने पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बेहल टोबा सड़क पर झिंडिया पुल के पास दो ट्रकों से सेब की खाली पेटियों से 1,23,800 किलोग्राम भुक्की पकड़ी है। पुलिस ने मौके पर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी दोनों ट्रकों का मालिक है। पकड़े गए आरोपी को एसआईयू टीम ने आगामी कार्यवाही के लिए पुलिस थाना कोट को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों ट्रकों से सेब की पेटियों में भरी भुक्की को एक कार में लोड कर रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही कार सवार कार को पंजाब की तरफ भगाकर ले गए। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी नैना देवी संजय शर्मा ने कहा है कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और पुलिस का नशे के खिलाफ छेड़ा गया अभियान लगातार जारी रहेगा। जहाँ स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है, अब लोग ध्यान रखें कि वहाँ पे जो लोग बाहर के हैं, आते जाते रहते हैं, या जिन पे जो भी उन्हें संदिग्ध नज़र आते हैं, तो पुलिस को उनकी सूचनाएं देते रहें, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और हो सकता है कि उनकी उनकी नॉलेज में ना हो, लेकिन यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा, तो उन्हें थोड़ी भी भनक लगती है तो प्लीज़ पुलिस को बताएँ, ताकि हम लोग उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें और इन ऐसे नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर सकें। जी, हमारी श्री नैना देवी जी की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, ये रात को गश्त पर थी तो हमारे यहाँ पे जो झिड़िया नाम की जगह है, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पे एक पुल है। जब ये वहाँ पे पहुँचे, एग्जैक्ट बॉर्डर पे है, जब ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और दो ट्रक उसी पुल के ऊपर आर एक दूसरे की तरफ मुंह किए खड़े थे, और उनमें से दो बंदे सेब की पेटियाँ लेके उस गाड़ी में डाल रहे थे जो वहाँ पुल पे खड़ी थी। ये कार थी कोई, और जैसे पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँची, पुलिस वहाँ उतरी तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी थी, जो कार थी, ये वहाँ से भाग गई। और पुलिस वालों ने इनसे जब पूछा कि इनका नाम पता क्या है, तो पता करने के बाद जो एक बंदा था उसको, वो पुलिस के कंट्रोल में आ गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरा वहाँ से भागने में सफल हो गया। जब इन बेटियों को बाद में चेक किया गया तो इन्हें भुक्की पाई गई। इन दोनों ट्रकों में एक ट्रक में दो पेटियाँ सेब की पाई गई जिसमें कि भुक्की थी, दूसरे ट्रक में 10 पेटियाँ सेब की पाई गई, कश्मीरी सेब, और बट इनमें भुक्की थी। तो इस तरह से 12 पेटियाँ पुलिस ने कब्जे में ली हैं। इनका टोटल वेट 123.800 किलोग्राम पाया गया है, मतलब एक क्विंटल 23 किलो, और इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक बंदा अभी फिलहाल अरेस्ट है, बाकी छानबीन जारी है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और नियमानुसार कार्यवाही हमारे लाई जा रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।